जब यूपीटी पॉजिटिव आता है तो पूरे परिवार में एक एक्साइटमेंट का माहौल बन जाता है, लेकिन कई बार ये एक्साइटमेंट है वो ख़राब हो जाता है जब पेशेंट का फ़ोन आता है कि मैम 2-3 दिन पहले तो टेस्ट किया था वो पॉजिटिव आया था, लेकिन अभी थोड़ा खून के दाग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है। हाय, आई एम डॉक्टर सरोज बाजिया, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एट सरोज हॉस्पिटल सीकर। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली, शुरुआती दिनों में होने वाली ब्लीडिंग के बारे में, इसके कारण क्या हैं और इसके इलाज के बारे में। क्या प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होने वाली हर ब्लीडिंग डेंजरस होती है? इसके कारण क्या होते हैं? क्या आपको इससे घबराने की ज़रूरत है या आपने डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है? आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लीडिंग के क्या क्या कारण होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब स्पर्म है वो फीमेल के एग से मिलता है, तो उससे जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट यानी कि अर्ली एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो है वो बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हल्की स्पॉटिंग होती है, उसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये प्रोसेस है वो भ्रूण के पोषण के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, लेकिन ये बहुत सारी प्रेगनेंसी में ये स्पॉटिंग पाई जाती है, पर इसका प्रेगनेंसी पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार जेनेटिक अबनॉर्मलिटी की वजह से या क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से या फिर पेशेंट के हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो बॉडी है वो भ्रूण को एक्सपेल करना स्टार्ट कर देती है। इसे हम मिसकैरेज या अबॉर्शन कहते हैं। अगर बच्चादानी का मुंह नहीं खुला है और पेशेंट कई बार आता है तो ये प्रोसेस है वो अबॉर्शन का पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चादानी का मुंह नहीं खुला होता है, तो इसे हम थ्रेटन अबॉर्शन कहते हैं। इस थ्रेटन अबॉर्शन को कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन देके हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर बच्चादानी का मुंह खुल जाता है तो उसे हम इनएविटेबल अबॉर्शन कहते हैं। इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के जो सारे प्रोडक्ट हैं वो एक्सपेल हो जाते हैं, तो उसे हम कंप्लीट अबॉर्शन कहते हैं। अगर ब्लीडिंग के साथ पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारे हैं वो अलार्मिंग साइन हैं। इनको आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की निशानी हो सकते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो बच्चादानी के अंदर नहीं लग के बाहर ट्यूब में लग सकता है, और अगर ये ट्यूब फट जाती है तो ये कंडीशन है वो कई बार पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये तो हैं प्रेगनेंसी की शुरुआत में होने वाली ब्लीडिंग के कारण। अब जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी क्या क्या जाँचें करवाते हैं? सबसे पहले तो वो आपकी एक सोनोग्राफी करते हैं। ये जो सोनोग्राफी है वो नीचे योनि के रास्ते से की जाती है, इसे हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं, क्योंकि अभी ये शुरुआती दिनों में क्या होता है, भ्रूण की साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तो हम उसको ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि सीरम बीटा एसजी वगैरह भी कुछ केसेस में करवाने पड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर ब्लीडिंग होती है तो आपको उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, और घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी कुछ जांचें करेंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, तो उससे आपको बता सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक है कि नहीं, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर कोई और अबनॉर्मलिटी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।